हाय दोस्तों, स्वागत है आपका कुक विद मनु पर। आज मैं आपके लिए एक हेल्थी रेसिपी लेके आई हूँ, कॉर्न पनीर के अप्पे, जो कि बहुत ही डिलीशियस होते हैं और बहुत ही झटपट बन जाते हैं। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें एक बोल ले लेना है और इसमें डालना है हमें सूजी। तो यहाँ पर एक कप के बराबर मैंने यहाँ पर बारीक वाली सूजी डाल दी। आप नॉर्मल भी यहाँ पर सूजी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम दही लेंगे, कम खट्टा दही लेना है और आधा कप के बराबर दही हमें यहाँ पे डाल देना है। ध्यान रखें, यदि खट्टा दही है आपके पास तो कम से कम डालें, ज़्यादा खट्टा दही हमें नहीं लेना है। लगभग एक चौथाई छोटा चम्मच जितना काली मिर्च पाउडर डाल दिया है और नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। मैंने यहाँ पर एक छोटा चम्मच जितना डाला है क्योंकि मैं सब्ज़ियाँ भी यूज़ करने वाली हूँ। अच्छी तरीके से मिला देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसका एक बैटर जैसा बना लेना है। थोड़ा सा थिक पेस्ट जैसा होता है वैसा बना करके रेडी करके रख देना है। तो देखिए एकदम क्रीमी यहाँ पे ये बन करके रेडी हो गया है। कवर करके लगभग 10 से 12 मिनट के लिए हम यहाँ पे इसे छोड़ देंगे और 10 मिनट बाद हम इसे देखेंगे। तो यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं, सूजी जो है हल्की सी फूल जाती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे 20 से 25 मिनट भी दे सकते हैं, क्योंकि बारीक वाली सूजी थी तो मैंने सिर्फ 10 मिनट रखा है। थोड़ा सा थिक हो गया ये बैटर, तो पहले तो हम यहाँ पे पानी डालेंगे, फिर से इसे मिक्स करेंगे और एक स्मूथ सा जो है क्रीमी जैसा पेस्ट होता है वैसा हम यहाँ पे इसे बना लेंगे। तो ये देखिए लगभग 2-3 बड़े चम्मच जितना मैंने यहाँ पर पानी डाला है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एकदम परफेक्ट जैसा यहाँ पे पेस्ट जो है बना करके रेडी किया है। अब मैंने यहाँ पे सब्ज़ियाँ ली हैं, जिसमें कि सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ, ये फ्रोज़न कॉर्न है जो कि मैंने घर पर ही बनाया है और इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे। लगभग आधा कप के बराबर फ्रोज़न कॉर्न है, 100 ग्राम के बराबर पनीर है जिसे कि मैंने ग्रेटर के मोटे वाले साइड से ग्रेट करके लिया है, 2 छोटे साइज़ की प्याज हैं, एक मीडियम साइज़ का यहाँ पे मैंने टमाटर लिया है, हरा धनिया पत्ता लिया है। इसके अलावा आपके पास कैप्सिकम है, मतलब कि शिमला मिर्च है, गाजर है, आप चाहे तो ग्रेट करके डाल दीजिए, पत्ता गोभी डाल सकते हैं यदि डालना हो तो, या फिर इतनी ही चीज़ों से बनाइए, बहुत अच्छा लगेगा। और यदि चाहते हैं तो टमाटर स्किप भी कर सकते हैं, पर वाइट वाइट अप्पे में जब रेड कलर जो है टमाटर का दिखेगा तो बहुत अच्छा लगेगा और टेस्ट में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे टमाटर भी डाला है। सबको अच्छी तरीके से एक बार का मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें एक छोटा सा तड़का लगा देते हैं जो कि इसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस कर देगा। गैस का फ्लेम ऑन किया है, तड़का पैन रखेंगे और लगभग आधा बड़ा चम्मच जितना 10-12 ml जितना तेल जो है मैंने गर्म कर लिया है। एक छोटा चम्मच जितना हम इसमें डाल देंगे राई, आधा छोटा चम्मच जितना जीरा डाल देंगे, उड़द दाल डाल देंगे एक छोटा चम्मच और चना दाल भी यहाँ पे डाल दी है एक छोटा चम्मच जितना, कुछ कड़ी पत्ते कट करके डाल दिए लगभग 5-6 और एकदम लो मीडियम फ्लेम पे हल्का सा इन्हें ब्राउन होने तक पकाना है हमें। और यदि आप चाहते हैं अप्पे का कलर थोड़ा चेंज हो तो आप यहाँ पर हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। ये यहाँ पे तड़का रेडी है, कड़ी पत्ते का कलर चेंज हो जाए वैसे ही हम इसे हटा लेंगे और अपम पैन यहाँ पे रख देंगे। तड़के को मैंने बोल में ऐड कर दिया है और बस अब इसे अच्छी तरीके से हम एक बार का मिला लेंगे। तो यहाँ पे हमारी लगभग सारी तैयारियाँ हो गई हैं। लास्ट में हमें एक इंग्रेडिएंट डालना है जो कि है बेकिंग सोडा। इसकी जगह आप इनो भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल 1/8 teaspoon, मतलब कि एक पिंच जितना मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा डाला है। बैटर थोड़ा थिक है इसीलिए मैं यहाँ पे पानी डाल रही हूँ, ये देखिए छोटे चम्मच के नाप से 2 छोटे चम्मच जितना। यदि नॉर्मल बैटर है तो डायरेक्टली जो है हमें इनो जो है इसमें बेकिंग सोडा वो मिला देना है। मैं थोड़ा सा पानी डाल के मिला रही हूँ। अब एकदम परफेक्टली ये जो है हमारा बैटर रेडी है, बिना देर के अप्पे बना लेते हैं। पैन गर्म हो चुका है क्योंकि हमने इसे पहले ही रख दिया था थोड़ी देर पहले, 1-1.5 मिनट पहले, और अपम पैन के सारे ये जो हमारे खाने हैं इनमें हम ऑयल लगा देंगे। तो मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ऑयल यहाँ पे लगा रही हूँ ब्रश की हेल्प से, आप चाहें तो 2-2 बूंद जो है चम्मच की हेल्प से भी डाल सकते हैं जैसा आपको सही लगे, या चाहे तो घी में भी बना सकते हैं। अब बिना देर के वे ये जो बैटर हमने रेडी करके रखा हुआ है ये 1-1 बड़े चम्मच जितना यहाँ पे हम सभी होल्स में डाल देंगे। और यदि आप तड़का नहीं लगाना चाहते हैं तो यहीं पे जो है इन खानों में ऑयल डाल लेने के बाद थोड़े से राई के दाने और कटे हुए कड़ी पत्ते डालकर भी आप इन्हें बना सकते हैं। दोनों मेथड से बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। सभी खाने यहाँ पे हमारे अप्पे मेकर के भर चुके हैं, इन्हें कवर करके छोड़ देंगे लगभग 3 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पे। इसके बाद हम इन्हें देखेंगे कि ये ड्राई हो गए,
कुछ जो है वो ड्राई नहीं हुए हैं और कुछ ड्राई हो गए हैं। हल्का हल्का सा ऑयल जो है एक एक बूंद मैंने इनके ऊपर डाल दिया है। तो जो ऊपर से ड्राई दिखाई दे रहे हैं उन बॉल्स को हम यहाँ पे पलट देंगे, और जो नहीं दिखाई दे रही ऊपर से सॉफ्ट दिखाई दे रहा है जैसा हमारा बैटर है वही दिख रहा है, जो कि स्टार्टिंग के ऊपर वाले जो है बॉल्स दिखाई दे रहे हैं, तो हम उन्हें नहीं पलटेंगे, उन्हें फिर से हम ऐसा ही रहने देंगे। जब वो इस तरीके से सूख जाएंगे, ऊपर से ड्राई ड्राई हो जाएंगे, तब हम उन्हें पलटेंगे। तो पैन को मैंने थोड़ा आगे कर दिया है, थोड़ी आँच इस पर भी लगी, तो ये भी जो है ऊपर से हल्के से सूख गए हैं। इसके बाद इन्हें पलट दिया है, थोड़ा थोड़ा ऑयल डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। ये जो है नॉन स्टिक पैन है, इसीलिए ये बन जाता है कम से कम ऑयल में भी। और पलट कर भी हमें इन्हें 3-4 मिनट लो फ्लेम पे पका लेना है। देखिए इस तरीके के हल्के से गोल्डन ब्राउन हो जाए इस स्टेज तक पकाना है, बस ये बन करके रेडी है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे, और आप इन्हें टोमेटो केचप के साथ खा सकते हैं, हेल्दी के लिए समझ रहे हैं आप, तो आप इसे हरी चटनी के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और टेस्टी भी हैं। और इसके अलावा इसमें आप और भी वेजीज डाल सकते हैं। तो एक पूरा बैच निकल जाने के बाद हमें दूसरा बैच रेडी करना है यहाँ पे, बाकी के आप पे भी हम तुरंत ही बना लेंगे। बैटर को ध्यान रखें, बेकिंग सोडा या इनो डालने के बाद ज़्यादा देर रखना नहीं है, तुरंत के तुरंत बना लीजिए। बनकर के रेडी है हमारे पनीर कॉर्न के अप पे। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।